India's right over there. You got to be kidding me. In any event, we'll talk about that at some other point of time. At the moment, to talk about what's been happening in Maharashtra, we've got very interesting news indeed. Ajit Dada Pawar Saab's spouse, Mrs. Sumitra Pawar, is rumored to have actually met Sharad Pawar Saab. I'm not sure whether it's true or not. Let's ask Dr. Sorena Malhotra. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Good evening. Namaskar, ma'am. Namaskar. How are you? Yeah, fine. Dr. Sorena Malhotra these days is looking so happy on the screen. She lights up the screen with a smile. It is so wonderful. Ma'am, so has Sunitra Pawarji actually met Sharad Pawar sir? अभी रूमर तो है भाई एक डेढ़ घंटे की मीटिंग हुई है जिसमें सुप्रिया सुले से भी थी नहीं दिस इज आई थिंक इट्स जस्ट रूमर एंड उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ये उनके प्रवक्ता लोगों ने जस्ट क्लियर किया है कि नो इट वाज नॉट सो बट शी वेंट टू मीट अजीत दादाज सिस्टर हु आल्सो हैपेंस टू स्टे इन द सेम एरिया सेम प्रीमाइसेस सेम बिल्डिंग अनदर विंग्स आई थिंक So she went over there. So, you know, unfortunately it was so there's no big news in it. There's no big news in it. नहीं लेकिन हमें तो खबर मिली है मैम कि असल में मीटिंग हुई है और बाहर मीटिंग हुई है और वहाँ पे सुप्रिया सूले जी भी प्रेजेंट थी मीटिंग के दौरान ये तो नहीं सुना और है, बहुत हमने भी नहीं सुना है और जैसे छगन भुजबल साहब ने कहा कि अगर मीटिंग हुई है तो क्या हो गया एक ही परिवार के मतलब क्यों नहीं मिल सकते छगन भुजबल जी जाके सिल्वर रोप में मिले थे शरद पवार साहब से शरद पवार साहब के साथ है यानी डिस्क्राइब पवार साहब वाज लेटा हुआ था कौन से कपड़े पहना था शरद पवार छगन भुजबल ने पूरे डिस्क्रिप्शन दे दिए और कहा कि आक्ष पवार साहब की आप गाइड कीजिए ओबीसी वर्सेस मराठास इज गोइंग टू बर्न द एंटायर स्टेट आपको पुरानी यू हैव टू टेक द लीडरशिप यू हैव टू कम एंड एडवाइस अस हाउ टू डू इट यू नो ऑल द पीपल इन एवरी लेवल ऑफ द एंटायर स्टेट तो आपको पुरानी यू हैव टू कम फॉरवर्ड नाउ हाउ डू यू सी दैट शरद पवार जी बिकॉज एक ही दिन पहले उन्होंने आलोचना भी किया था पवार साहब का कि आप आए नहीं मिलने यस ये तो मतलब सबको पता है कि अल्टीमेटली महाराष्ट्र में सबसे सीनियर सबसे मतलब जो सब लोग उनको चाहते हैं और उनके मतलब पॉलिटिकल विचार जो है वो मतलब उसकी सब लोग तारीफ करते हैं अल्टीमेटली अपोजिशन को भी करना ही पड़ता है क्योंकि पवार साहब के जैसे और कोई है ही नहीं कि जो दूरदृष्टि रखे वो प्लानिंग से मतलब कुछ अच्छी तरह से लोगों को बता सकते हैं कि क्या हो सकता है ये क्या हुआ है अभी छगन भुजबल जी ने ओबीसी की बाजू लेके इतना वो सब मामला मतलब अभी क्या मतलब इट हैज बिकम नाउ अ रियल फाइट बिटवीन बोथ द ओबीसीज एंड मराठा नाउ इट इज लाइक यू नो उनके हाथों से ये छूट रहे हैं चीजें इतना मतलब दोनों साइड में इतनी परेशानी हो गई है कि एक दूसरे ने जो भी मतलब खाना बनाते हैं या मतलब धन डाले मतलब ये उत्पन्न करते हैं तो वो एक दूसरे की चीजें मतलब यूज ही नहीं कर रहे हैं इतनी सब जो ये लोग जो होटल यूज करते हैं तो दूसरे लोग वहां नहीं जाते मतलब नाउ इट इज गोइंग टू बियॉन्ड द लिमिट वेयर इज दैट टेरिबल मैम इजंट दैट टेरिबल दोनों एक दूसरे को छूत जैसे मतलब मान रहे हैं एंड दिस इज लाइक गोइंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल दे हैव एस्केलेटेड दिस प्रॉब्लम दे हैव बट वी हैव डिस्कस्ड दिस इफ यू रिमेंबर व्हेन द स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली वाज कॉल्ड टू ग्रांट रिजर्वेशन टू द मराठास आप ही शो में थे हमारे और आप ही के साथ बातचीत हुई थी कि आगे जाकर के इसमें बड़ी तनावपूर्ण स्थिति होने वाली है You will not be able to control this. Exactly. So didn't these guys think of this? I mean, after all, they're very senior people. When people like us, who are just the pravakta, and then you know, media, everybody can realize, you know, understand that the thing was that just before the election, they just wanted to know, काम चलाओ काम बोलते हैं ना जैसे without even thinking what the real consequences are going to be. It is just
चलो आज आंदोलन है, आज कुछ उनको प्रॉमिस करो, ये टाइम पे कुछ भी ऐसे सॉफ्ट बोलो कि बाबा दे विल बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी स्टेबलाइज्ड. सो लॉन्ग टर्म थिंग दैट दे हैव नेवर एंड नोबडी इज हैप्पी. एंड द फैक्ट इज एट द मोमेंट एवरीबॉडी इज अनहैप्पी. एवरीवन इज अनहैप्पी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Naturally, OBCs also don't want to somebody else like Kunbi can be should be given and they should come in their. But they are right also, ma'am. Yeah. अगर आप इतने ज़्यादा Kunbi certificate दे देंगे तो वो actually it's going to erode in their. It will erode the OBC quota. हाँ, exactly. So there is something that they have to do something about it. Maybe probably increase the overall total quota, whatever the limit is. But then that has to be done. But what Sharad Pawar Saab had said, before this special session of the assembly, and since it is about reservation for Marathas, there was no party that could possibly oppose it. You can't. Yeah. You can't oppose it, obviously. Yeah. What Sharad Pawar Saab had said was that, listen, this is not within your jurisdiction. The center has to do it. This has to be done via constitutional amendment. It cannot be done at the state level. So why didn't they listen to him at that time? Exactly. Exactly. And in fact, Supriya Tai was also at that time saying that, okay, some special session has to be called and these things have to be decided and they have to do it in a proper way. But center, I don't think center is bothered of doing that. Arre, hame to lag raha tha. डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, हमको तो लग रहा था कि वो जो स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया गया था, हमको तो यही लग रहा था कि इसी की वजह से बुलाया गया है. बट इट वाज जस्ट जो महिलाओं को गाजर दिखाने के लिए यूज हुआ 2029 में. हाँ, जो मिलेगा 2029 में. एग्जैक्टली. आफ्टर द सेंसस. और वो सेंसस कब अनाउंस होगा किसी को मालूम नहीं. प्रदीप जी, आपको पूछने वाला. डॉक्टर मल्होत्रा, सुप्रिया सुले जी हैज अगेन कंप्लेंट की फंड्स अलॉटमेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क इज नॉट हैपनिंग. Especially the Ekanath Shinde's government is not allotting funds. And now funds allotment actually is in Ajit Pawar ji's hands. Jitendra Awad ji kaha ki 50 se 100 baar unhone khud office Ajit Pawar ji ke pahunche, baat kiya, phone pe, but funds around. Now Supriya Sule ji has threatened that she will have to go to the court. Not only her, but also the adjoining constituencies. Now, how do you see, why is there no cooperation? Because they have logo ka kaam hai. Supriya Sule saying we have got to work for the people and funds are not being allotted. How are we going to do it? Talking exactly. about the very serious charges is. Exactly. I mean, ultimately, when you form a government and whatever you say, ki vikas, 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 so vikas hone ke liye to funds to dene chahiye. If you want something good to be happen in Baramati or wherever, I mean, other places in Maharashtra, funds to dene chahiye. You can just see ki baba wahan yahan pe hamara khasdar hai, hamara amdar hai, to hi hum denge aur dusron ko nahi denge. ऐसी जो बोलते हैं ना सावत्र नीति, ये लोगों के साथ क्यों करने की. जो भी पॉलिटिकली आपस में कंपटीशन होगी, दैट हैज टू बी एन हेल्दी कंपटीशन. यू कैन नॉट उसके लिए यू कैन नॉट यू नो लोगों का जो होने वाला काम है वो नहीं रोकना चाहिए. लेकिन ये तो लेकिन मैम ये तो ऑफिशियल फंड्स है ना. ये तो मतलब जो एमएलए फंड है, कॉर्पोरेटर का जो फंड है, that has to be released. You can't block it. That's the reason Supriya Dahi said that she can go to in the court. She's going to go to the court. Yeah, because that it has But that's very unfair. If it is happening, it is very, very unfair because the people are suffering. People are suffering. Even if she goes to the court, that is going to take time. It is going to take time. So and by that time, there will be a new assembly. Yes, exactly. And hopefully, ours. Hopefully, it will be your chief minister. Vidhan Parishad elections. What the Mahayuti is saying is showing the will of the people. Pawar Saab unhone kaha fielded Jayant Patil from the PWP and he lost. And unhone kaha ki his loss is Sharad Pawar Saab's loss because Sharad Pawar's candidate tha. And now horse trading hua. Sanjay Raut says kareeban ek ek cross voting ke liye 10 se 25 crore diya gaya. 200 crore ke aaspas fund utility fund allocation kiya gaya. जहां सुप्रिया सुले जी कह रहा है कि एक फंड पैसे हमको नहीं मिल रहे, आपने क्रॉस वोटर्स को करीबन 200 करोड़ के फंड एलोकेशन किए, एग्रीकल्चरल लैंड उनको दे दिए. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल नॉट फिटिंग. दिस इज अनडेमोक्रेटिक. दिस इज नेवर हैपेंड इन महाराष्ट्र बिफोर. हाउ डू यू सी दिस चार्जेस डॉक्टर? दिस इज एग्जैक्टली. आई मीन सी, अभी वो जो ग्लोट कर रहे हैं वो सब लोग कि बाबा हम लोग जीत गए, पवार साहब का कोई कहने नहीं. अरे मगर वो लोग भूल रहे हैं कि ये जनता की वोटिंग नहीं थी. ये तो आपस में जो है वन सेकंड जस्ट वन सेकंड ओके सॉरी यस यस
ये तो मतलब जनता का कॉल थोड़ी था, जनता का कॉल तो जो लोकसभा इलेक्शन में पता चला है कि वे वी नो दैट जनता का कॉल किसमें था, जहां हमारी पार्टी का 80% स्ट्राइक रेट था और जो 90% भी हो सकता था अनलेस दैट तुतारी के बारे में नहीं प्रॉब्लम हुई होती तो. सो दिस इज व्हाट जनता क्या जानती है, जनता क्या चाहती है वो था. अभी विधान परिषद में तो जनता के वोट्स तो नहीं थे, ये तो उनकी रेगुलर टैक्टिक है. इनफैक्ट जनता को पता चला कि ये तोड़फोड़ की राजनीति तो यही लोग करते हैं. यहाँ भी अभी उन्होंने कांग्रेस को तोड़ने को चाहा, तो ये सब चीजें तो जनता देखती है. वो हमारी पार्टी को किया, वो उद्धव मतलब शिवसेना को किया, और अभी उन्होंने कांग्रेस में भी ट्राई किया. तो ये सब लोग जो जीतते हैं वो सब यही सब बातें करते तो जीतते हैं. मगर अभी असेंबली इलेक्शंस में विधानसभा में तो डेफिनेटली अगेन जनता का कॉल माना जाएगा, तो डेफिनेटली वी हैव ऑल द चांसेस फॉर इट. ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क हार्ड, आई मीन आई कांट से दैट, बट डेफिनेटली. बट डोंट यू थिंक मैम नाउ यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी अ लिटिल बिट, बिकॉज़ द बीजेपी, आई डोंट थिंक यू कैन पॉसिबली बीट द बीजेपी अलायंस विद द सेम स्ट्रेटजी एज यू फॉलोड लास्ट टाइम. बिकॉज पिछली बार था संविधान खतरे में है, पिछली बार ये था कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो शायद ये लोग ख़त्म करने वाले हैं, ओबीसीज को जो जस्टिस नहीं मिल रहा, तो इस बार शायद आपकी जो रणनीति होगी शायद थोड़ी सी अलग होगी. जहाँ तक जो मेन चीज़ें जो है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, ये तो चीज़ें तो जैसी है वैसी ही रही है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ है. जैसे ये लोग मतलब इलेक्शंस होने के बाद में यू सी दैट द महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स तो सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो यू सी ऑल दैट. इलेक्शन होने के बाद उनके वादे विदे सब गए, एंड इमीडिएटली यू सी ऑल दिस बट जनता को मतलब जस्ट टू यू नो हिप्नोटाइज द जनता इनटू समथिंग, दे आर गिविंग ऑल दिस लाडली बहन दिस एंड दैट, बस खैराक कर रहे हैं. बट वो अभी कैग ने भी बोला कि ये कैसे आप कैसा अर्थ संकल्प है आपका, कि जहाँ पे आपका मतलब उत्पन्न कुछ भी नहीं है, आप बस खाली एक्सपेंस 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 कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियालिटी. तो ये सब जो चीजें जो कर रहे हैं तो जनता देख ही रही है. ये जो लेकिन एक खबर है, एक खबर है, प्राइस थोड़ी सी कम हुई है. मैम ऐसा नहीं बोल सकते आप बोल रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्राइस कम हुई है. तूर दाल जो 250 रुपए की बिक रही थी परसों तक, आज 245 की हो गई है. इट इज 245 पर किलो टुडे. अभी मैंने देखा, अभी 5 रुपए कम हुई है मैम. जैसे तो ऐसा मत कहिए, जैसे डीजल और पेट्रोल में नहीं, फ्यूल 2 रुपए कम, 2 रुपए का फर्क था. लेकिन ये बताइए क्या ये इनको मालूम नहीं है? देखिए साहब, डॉक्टर सुरेंद्र महतो, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ. जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2 और उसके बीच में ये महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तब जरा सी भी प्राइस किसी भी चीज की बढ़ जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी नाक में दम कर देती थी. आंदोलन पे आंदोलन, कोई मतलब कोई सिलेंडर लेकर के आ रहा है, कोई सिलेंडर छत पे ले रहा है, अपने सर पे ले रहा है, सिलेंडर के साथ कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो इनको मालूम नहीं है क्या? आई थिंक द बीजेपी शुड बी वेरी वेल अवेयर, बिकॉज देयर मेन स्टे यूज्ड टू बी प्राइस राइज, and the prices of petrol, the price of diesel, the falling rupee as compared to the dollar. True. Now these are the very things that they are repeating themselves. So why do you think they're doing that? Are they blissfully unaware of the kind of effect that this will have on the people, ma'am? Yeah, either that or they are not able to manage the whole thing. I don't think I don't want to have questions about the competency of any of those people, but then this is what is happening. Why they aren't properly planning the whole thing? As I said, कि महाराष्ट्र में भी अभी बहुत खर्चे 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 दिखाए. Ultimately किसके खर्चे हैं? इससे तो महाराष्ट्र की जो कर्जा है वो तो बढ़ने वाला है. तो proper planning ही नहीं है.
तो ये सब मतलब जो प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये सब तो करने चाहिए। बट यू नो डॉक्टर मल्होत्रा, एकनाथ शिंदे जी बिलीव्स दैट इट्स अ गेम चेंजर। वो बोला कि 10 लाख स्टूडेंट्स को हम 10,000 मंथ स्टाइपेंड देंगे, इंटर्नशिप उनको दे देंगे 10 लाख बच्चों को, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एज यू सेड लाडली बहन स्कीम, लाडकी बहन स्कीम इज अ फंटास्टिक गेम चेंजर। बोले कि पहला इंस्टॉलमेंट जब महिला के अकाउंट में आएंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि महायुति ने क्या क्या किया। मोदी जी आए थे 29,400 करोड़ का, उन्होंने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में पैसे जो फंडिंग की है प्रोजेक्ट्स के। नाउ डू यू थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज गर्ल चाइल्ड, एडुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, ही सेज इट्स अ फंटास्टिक, फार्मर्स, किसानों को अन्नपूर्ण, तो एक एक चीज एकनाथ शिंदे जी बिलीव्स दैट दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू वोट फॉर द महायुति। आपने कहा लाडली बहन के स्कीम ने उन्होंने 10,000 बच्चों को स्टाइपेंड, 10,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड की बात की, दैट इज मोर देन व्हाट राहुल गांधी इज एक्चुअली प्रपोज, 8,500। नाउ डू यू थिंक इट्स इलेक्शन, इसी इलेक्शन इसलिए बोल दिया, नहीं होगा इलेक्शन है, 2 महीने की बात है तो बोलने में क्या जाता है। नाउ मोदी जी ने भी बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे, किसी किसके पास 15 लाख आ गए, किसके खाते में आ गए, तो वी डोंट नो, मे बी 1,500 आ भी सकते हैं थोड़े महीने, वी डोंट नो। एंड मैंने जैसे बोला कि व्हाई आर यू इंसल्टिंग द सिस्टर्स, द सिस्टर्स आर नॉट वर्थ ओनली 1,500 पर मंथ, नो, उससे अच्छा है तो राहुल गांधी ने और महाविकास आघाड़ी ने जो प्रॉमिस किया था कि 2-2 लाख रुपए आ जाएंगे उनके अकाउंट में, तो देना है तो बहुत दिल खोल के दीजिए ना, और रियली दीजिए ना, खाली प्रॉमिस मत करिए। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, कांग्रेस, इंदिरा जी का इमरजेंसी, डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया, इंदिरा गांधी फॉर हर ग्रीड फॉर पावर टर्न द एंटायर नेशन इनटू प्रिजन ड्यूरिंग इमरजेंसी, 1,40,000 अरेस्टेड, 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी करा दिया, डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, एंड ही सेज 25 जून हर साल संविधान हत्या दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। नाउ हाउ डू यू थिंक दिस, दिस इज हाउ डू यू व्यू इट, इज इट गुड फॉर एनी गवर्नमेंट्स टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सच अ स्ट्रांग वर्ड यूजिंग संविधान हत्या, वेयर वॉज देयर देयर इज एन हत्या, इफ किसी चीज की हत्या होती है तो वो चीज अभी परसिस्ट कैसे होती है? संविधान तो अभी भी है, संविधान अभी है, संविधान मगर अभी खतरे में है, अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। एंड एनीवे कि ये सब जो चीजें इंदिरा गांधी जी ने किया तो वो कुछ उनको ग्रीड ऑफ पावर वगैरह उसके लिए तो डेफिनेटली नहीं किया था, वट एवर इट इज उनके जो कैलकुलेशन थे, और उसके बारे में उन्होंने काफी टाइम बाद में बात भी की हुई है, तो ये सब पुरानी बातें अभी लाना जस्ट टू यू नो शो कांग्रेस, यू नो जस्ट टू यू नो बिकॉज कांग्रेस इज लाइक नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन देम जस्ट टू यू नो हैव समथिंग अगेंस्ट कांग्रेस, ये सब चीजें अभी लाना ये बहुत ही गलत है। तो सुरेना मल्होत्रा जी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो आपको 1943 में जाना चाहिए, 1943-1944 में जाना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैड अ डील विद मोहम्मद अली जिन्ना, सिंध में उनकी सरकार थी इन अलायंस विद जिन्ना साहब, और NWFP में भी हिंदू महासभा की अलायंस थी विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में भी थी। तो मेरा ये कहना है कि उसका तो कोई अंत ही नहीं है अगर आप पीछे जाते रहे। एग्जैक्टली, तो अभी की बात क्यों नहीं करते, अभी की बात करिए ना। चलिए ठीक है, सर इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो जिस प्रकार कहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी जरा उससे भगला गई है, उनकी जरा हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से अभी वो ये टर्म लेकर आए हैं संविधान हत्या दिवस। मेरी समझ में वेरी फ्रेंकली संविधान सुरक्षा दिवस बोलते, संविधान बचाओ दिवस बोलते, या संविधान श्रद्धा दिवस बोलते, ऐसा कुछ बोलते तो मैं समझ सकते थे, लेकिन हत्या दिवस that is their style ना, कि अपोजिशन को ऐसे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेकिन ये बताइए, पहली बार हमने देखा है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट नोटिफिकेशन में हत्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एग्जैक्टली आज तक नहीं हुआ जी। एक मैं बताऊं, हम लोग ट्विटर पे कभी कभी डेथ या हत्या यूज करते हैं तो कभी कभी हमारे अकाउंट ऐसे ही मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज इवन ट्विटर मतलब एक्स डजंट लाइक टू यूज द वर्ड, एनीबडी यूजिंग द वर्ड डेथ और हत्या, यू नो, या डेथ, इवन समबडी यूजेस डेथ पेनल्टी, दे डोंट लाइक इट। एंड एज यू सेड इन सच अ दिस थिंग, दिस हत्या वर्ड इज यूज्ड। तो अभी आप चलते चलते मैम, बिकॉज आई नो वी रन आउट ऑफ टाइम, आई वुड लाइक यू टू गिव मी योर ओपिनियन। अभी वो क्या है, वो प्रदीप जी, विशालगढ़ क्या है, कौन सा विशालगढ़? यस, विशालगढ़, द फोर्ट, द मस्जिद, विशालगढ़ किले के पास जो मस्जिद है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ वहाँ पे। तो क्या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या महाराष्ट्र में, जान करके कुछ कम्युनल टेंशन की जाए या कुछ की जाए, कोई धार्मिक तनाव किया जाए या कुछ? यू नेवर नो, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू see that we have to have the proofs to say anything or have any allegations on anybody, but we have seen many times that कहीं आज गए थे मुख्यमंत्री जी, सुबह सुबह पहुंचे हैं वहां पे, उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करी है, लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ है वगैरह वगैरह, ये सब हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आई थिंक परहैप्स ऑल पार्टीज शुड इशू एन अपील कि भाई ये सब बंद कीजिए महाराष्ट्र में, नहीं ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, सब चुपचाप रहे। परंपरा डेफिनेटली नहीं है महाराष्ट्र में, ऐसी कुछ पॉलिटिकली ऐसी बातें मतलब हो जाती है चालू, हमने देखा, इवन मुंबई में देखा है, हिंदू मुस्लिम फाइट जब भी हुए है दैट इज बिकॉज ऑफ सम यू नो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता था, बट महाराष्ट्र इज अ पीसफुल प्लेस एंड महाराष्ट्र शुड रिमेन पीसफुल, एंड आई थिंक गृह मंत्री शुड टेक केयर ऑफ दैट, it's his responsibility. तो गृह मंत्री जी की तो आवाज ही सुनाई देती आजकल, his responsibility to keep मैम, गृह मंत्री जी की तो आवाज सुनाई नहीं देती आजकल, जी सुनाई नहीं देती है, that is what, और इसके लिए तो चीजें like the rape of the lady जो अभी हुआ है, you know, मतलब ऐसी चीजें जब होती है, that is wrong. Thank you so much ma'am, thank you very much Dr. Surena Malhotra, always a pleasure talking to you and love to hear your analysis. Really and truly wonderful. Thank you so much, ma'am. Namaskar. Well, she should be very, very happy right now because the NCP is really and truly flying at the moment. NCP, Congress, Congress, if you get the ticket, you are won. 100%. आज की तारीख में वह प्रदीप जी बहुत जबरदस्त झगड़ा होने वाला है कांग्रेस और एनसीपी की टिकट। बिल्कुल सर, बिकॉज़ 155 बजाय शरद पवार साहब ने पहले कहा, एंड नाउ ही चेंज द फिगर टू 225 एंड इवन इफ ही सेज 225 आई बिलीव हिम एंड इट्स अचीवेबल सर। 155 या 170 भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है सर, 225 आ गई तो मतलब मिरेकल हो जाएगा फिर, तो मतलब वाइप आउट हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ माहौल तो ऐसे ही बन रहा है, माहौल तो ऐसे ही बन रहा साहब। But in your opinion, Pradeep ji, it is my opinion, of course, and I have been saying that for a long time. My opinion is that BJP should go it alone. भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, ये मैं मानकर के चलता हूँ। हर सीट पे आप 288 कैंडिडेट आप खड़े करिए, मेरा ये मानकर के चलना है। आप भूलिए, अपने अलायंस पार्टनर्स को बोलिए भाई थैंक यू वेरी मच, आप अपना देख लीजिए हम अपना देखेंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे ना, ऐसी के बात है। अब तो what you're saying is perfectly right. अब मोदी is already establishing for another 5 years. Modi 3.0 is there for come, and I don't think anybody can destabilize him right now. I don't think he should allow the local units to grow. He should get the OBCs on board, get the Marathas on board, and see that at least in Maratha, BJP does it alone. Because देखो, BJP was number 4 party before Modi came in the scene. That's right. And it was only because of Modi BJP has become number one party. So the credit for Prime Minister Modi has to be given, and understand why don't you promote your own talent? Now, तो मेरा ये कहना है सर कि मेरा ये कहना है साहब कि जो शिवसेना के साथ इनका जो करार है या अजीत दादा पवार गुट के साथ जो करार है उसको ख़त्म कीजिए चुनाव के पहले, और लड़िए अपने आप, लड़िए अकेले, लड़िए क्या है उसमें, मतलब आजमा के देखिए अपनी स्ट्रेंथ क्या है। मुझे ऐसा लगता है आई थिंक दे विल डू मच बेटर देन इफ दे आर विद अजीत दादा पवार एंड विद 100%, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई, वन ऑफ द रीजंस, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई the BJP did so badly even in Uttar Pradesh and in Maharashtra was you had too many outsiders, as in people who had been brought in from other parties who were fighting elections under your banner, and they all lost, and they all lost, and you had to rehabilitate them in the Rajya Sabha, which you ideally should have given to your own people.
That's right. So rightfully speaking, the BJP should go back to its own workers, to its own loyalists, people who have been there with them right from the start, and forget about all these Johnny come latelys from other parties. अरे छोड़िए ना इन सब लोगों को. इन सब लोगों ने पहले कांग्रेस का और एनसीपी का सत्यानाश किया, अब आपका कर रहे हैं. If we can see it, why can't you see it? Yes, 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 exactly. And build your party. Now, unless if you want to increase your vote share from 38 to 50%, you need to have Baba Saheb Ambedkar on your side. Now, Vallabhbhai Patel ko aapne le liya, Mahatma Gandhi ji ko aapne le liya, sab believe karte ki aapke stalwarts hai. So, Ambedkar ji ko bhi aapko, you have to see. You have to own him. You have to own him. That's it. You have to embrace him. You have to own him. That's right. On board. Bilkul durust baat. Because that is a segment which has still not come to you. And if it comes, then and you are unbeatable. And I agree with Nitin Gadkari sir that you cannot repeat the same mistakes of the Congress. Bilkul. Aap bahar se itne logon ko nahi le sakte. Arre bhale hi aapki sankhya kam ho jaye to kya hoga? Aapne itne logon ko leke aapki sankhya kam ho gayi na. सर 303 से आप 240 पर पहुंच गए ना. यू लॉस्ट 63 सीट्स इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. दे थॉट दैट फ्रॉम 38-36% दे वुड गो अप टू एटलीस्ट 45% बाय टेकिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स. यू हैव ट्राइड दैट एक्सपेरिमेंट, इट हैज फेल्ड. नाउ गो बैक टू योर ओन लॉयलिस्ट, गो बैक टू योर ओन पीपल. दैट्स व्हाट आई थिंक गेटिंग इट. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. वो देखिए ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे. जरा प्लीज क्लिक ऑन दैट बेल आइकन. और वो घंटी भी बज गई है. जरा प्लीज जरा सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर भेजें साहब. प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स. माय क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू थिंक द बीजेपी शुड फाइट अलोन और डू यू थिंक दे शुड फाइट विद अलाइज? इन माय ओपिनियन दे शुड फाइट अलोन. दैट्स माय ओपिनियन एंड आई थिंक दैट्स प्रदीप जी'स ओपिनियन ऑल्सो, स्पेशली विद रिगार्ड टू महाराष्ट्र. 288 seats, BJP should contest all 288 seats on their own. That's my opinion. Bilkul. What is your opinion? I really would love to know. Please do send in your comments. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Aap sab logon ko namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. जय सियाराम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.